मैं जब भी दाहोद आता था तो मुझे शाम को परेल की उस सर्वेंट क्वार्टर में जाने का अवसर मिलता था और मुझे छोटी छोटी पहाड़ियों के बीच में वो परेल का क्षेत्र बहुत पसंद आता था। मुझे प्रकृति के साथ जीने का वहां अवसर मिलता था, लेकिन मिल में एक दर्द रहता था। मैं अपनी आंखों के सामने देखता था कि धीरे धीरे हमारा रेलवे का क्षेत्र, ये हमारा परेल, पूरी तरह निष्प्राण होता चला जा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद मेरा सपना था कि मैं इसको फिर से एक बार जिंदा करूंगा, इसको जानदार बनाऊंगा, इसे शानदार बनाऊंगा, और आज वो मेरा सपना पूरा हो रहा है कि 20,000 करोड़ रुपए से आज मेरे दाहोद में, इन पूरे आदिवासी क्षेत्र में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट, हजारों नौजवानों को रोजगार। आज भारतीय रेल आधुनिक हो रही है, बिजलीकरण तेजी से हो रहा है, मालगाड़ियों के लिए अलग रास्ते यानी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, इन पर तेजी से मालगाड़ियां चल सके ताकि माल ढुलाई तेज हो, सस्ती हो। इसके लिए देश में ही बने हुए लोकोमोटिव बनाने आवश्यक है। इन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की विदेशों में भी डिमांड बढ़ रही है। इस डिमांड को पूरा करने में दाहोद बड़ी भूमिका निभाएगा। और मेरे दाहोद के नौजवान, आप जब भी दुनिया में जाने का मौका मिलेगा तो कभी न कभी तो आपको देखने को मिलेगा कि आपके दाहोद में बना हुआ लोकोमोटिव दुनिया के किसी देश में दौड़ रहा है। जिस दिन उसे देखोगे आपके दिलों में कितना आनंद होगा। भारत अब दुनिया के उन चुनिंदा देशों में है जो 9000 हॉर्स पावर के शक्तिशाली लोको बनाता है। इस नए कारखाने से यहां हजारों नौजवानों को रोजगार मिलेगा, आसपास नए कारोबार की संभावनाएं बढ़ेगी। आप कल्पना कर सकते हैं, एक नया दाहोद बन जाएगा। कभी कभी तो लगता है अब हमारा दाहोद बड़ौदा की स्पर्धा में आगे निकलने के लिए मेहनत करके उठने वाला है। आ तमारो उत्साह ने जोम जोईने मने लागे छे साथियों, हूँ दाहोद जीवन ना अनेक दशका में अहीं बितावा छे। कोई एक जमानो हतो हूँ बस में आवू, क्यारे स्कूटर पर आवू, त्यारथी लईने आज सुधी अनेक कार्यक्रमों कर्या छे। मुख्यमंत्री हतो त्यारे पण घणा कार्यक्रम कर्या छे, पण आजे मने गर्व थाय छे के हूँ मुख्यमंत्री हतो त्यारे आवड़ो मोटो कोई कार्यक्रम करी नहोतो शक्यो। अने आजे गुजरातना लोकलाड़ीना मुख्यमंत्री भूपेन्द्र भाई पटेले एक कमाल करी दीधी छे के भूतकाळ में मैं न जोयो होय एवडो मोटो जनसागर आज मारी सामे उमटी रह्यो छे। हूँ भूपेन्द्र भाई ने, सीआर पाटिल ने अने एमनी आखी टीम ने अनेक अनेक अभिनंदन आपू छू। भाईओ बहनो, प्रगतिना मार्ग में एक बात निश्चित छे कि आपने प्रगति जेटली करी एटली करिए, परंतु आपड़ी प्रगतिना रास्ता में आपड़ी माताओं बहनों पाछळ न रही जाए। माताओं बहनों पण बराबर बराबर आपड़ी आ प्रगति में खबे खबो मिलावीने आगळ वधे। अने एटला माटे मारी योजनाओना केन्द्र बिंदु में मारी माताओं बहनों एमनी सुखाकारी,
એમની શક્તિનો વિકાસમાં ઉપયોગ એ કેન્દ્રમાં હોય છે. આપણે ત્યાં પાણીની તકલીફ આવે તો સૌથી પહેલી હેરાનગતિ માતાઓ બહેનોને થાય, અને એટલા માટે મેં બીડું ઉઠાવ્યું છે, મારે ઘેર ઘેર નળથી પાણી પહોંચાડવું છે, નળથી જળ પહોંચાડવું છે. અને જોત જોતામાં એ કામ પણ માતાઓ બહેનો આપના આશીર્વાદથી હું પૂરું કરીને રહેવાનો છું. આપના ઘરમાં પાણી પહોંચે અને પાણીદાર લોકોની પાણી દ્વારા સેવા કરવાનો મને મોકો મળવાનો છે. 2.5 વર્ષમાં 6 કરોડથી વધારે કુટુંબોને પાઇપલાઇનથી પાણી પહોંચાડવામાં આપણે સફળ થયા છે. ગુજરાતમાં પણ અમારા આદિવાસી પરિવારોમાં 5 લાખ ઘરોમાં નળથી જળ પહોંચાડી ચૂક્યા છીએ, અને આવનારા દિવસોમાં એ કામ તેજીથી ચાલવાનું છે.